प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ दो कर्मशील बनो पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो व समझो। सरल वाक्य इसमें केवल एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है। जैसे बालक मंदिर की ओर गया, तो हमारा जो सरल वाक्य होता है ना बच्चों, तो उसमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होता है। जैसे बालक, बालक जो कर्ता है वो एक है, मंदिर भी एक है यानी कि कर्म भी एक है, और क्रिया हुई गया, तो इसमें गया भी हमारा एक ही है, तो ये हमारा सरल वाक्य हुआ। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मनुष्य को प्रकृति ने ऐसा बनाया कि वह सब कुछ कर सकता है। तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं बच्चों, तो उसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन जो योजक होते हैं वो योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे इस वाक्य में दिया है मनुष्य को प्रकृति ने ऐसा बनाया, और दूसरा है वह सब कुछ कर सकता है। तो इन दोनों जो हमारे जो दोनों वाक्य हैं इनको जोड़ा है, योजक है हमारा इसमें के, तो ये हमारा की योजक से जुड़ा है और ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। आगे चलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य इसमें एक प्रधान वाक्य के साथ साथ कुछ उपवाक्य होते हैं। जैसे यदि संघर्ष करें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों हमारे इसमें मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य हुआ हमारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमारा प्रधान वाक्य हुआ सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसमें उपवाक्य क्या हुआ, यदि संघर्ष करें तो यदि संघर्ष करें तो ये हमारा उपवाक्य हुआ, और सब कुछ प्राप्त हो सकता है ये हमारा प्रधान वाक्य है, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हुआ। आगे का है प्रश्न संख्या 7, पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़े थे ना पर्यायवाची शब्द। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क, जवाब। तो जवाब के तीन पर्यायवाची क्या होंगे, उत्तर, हल, विकल्प। तो बच्चों अब आगे के पर्यायवाची आपको स्वयं करने हैं। अब है हमारा प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक-एक शब्द लिखो। यहाँ हमारे कुछ वाक्यांश दिए हैं, हमें इनके लिए एक शब्द लिखना है। पिछली कक्षा में पढ़ा था ना आपने, निम्नलिखित जो वाक्यांश होते हैं उनके लिए एक शब्द लिखना होता है। तो पहला है अच्छे भाग्य वाला। तो जिसका भाग्य अच्छा होता है तो उसको क्या कहते हैं, भाग्यवान कहते हैं ना, वो बड़ा भाग्यवान है यानी कि उसका भाग्य बड़ा अच्छा है। तो ऐसे बच्चों आगे के वाक्यांश आपको स्वयं करने हैं। अब है हमारी प्रश्न संख्या 9, विलोम शब्द लिखो। पहला है रंग। तो रंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बिरंगी। ऐसे ही तितर का हो जाएगा बितर। तो ऐसे ही आपको स्वयं करने हैं। अब है हमारे प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये हमारे कुछ शब्द दिए हैं संबंध बोधक, यानी कि ये किसी चीज से संबंध बताते हैं। तो जैसे के मोर, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, चिड़िया, चिड़ियाघर, के मोर, बड़े सुंदर हैं। तो इसमें के मोर का संबंध किस चीज से है, चिड़ियाघर से, यानी चिड़ियाघर के मोर बड़े सुंदर हैं। तो बच्चों आगे के वाक्य प्रयोग आपको स्वयं करने हैं। अब है हमारा प्रश्न संख्या 11, शब्दों व भावों का सही मेल करो। यहाँ पर शब्द दिए हैं, ये भाव हैं कि हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसका क्या भाव है। तो पहला है बाप रे बाप, तो ये इसमें क्या भाव है, आश्चर्य। जब हम किसी बात को समझते सुनते हैं तो हमें होता है ना आश्चर्य होता है उस बात को सुनते सुनकर, तो क्या होता है, बाप रे बाप ऐसा हुआ, ऐसे किया उसने। तो इसका हमारा सही मेल होगा आश्चर्य।
तो ऐसे ही आपको स्वयं करने हैं। अब आया आपका गतिविधि कार्य। अपने विद्यालय की पत्रिका के लिए कर्म शीर्षक पर एक लेख लिखो। तो बच्चों आपको कर्म शीर्षक पर एक लेख स्वयं लिखना है। तो ऐसे ही आपको पृष्ठ संख्या 15 और 16 पर ये भाषा ज्ञान आपको स्वयं अपनी किताब में करना है। ठीक है बच्चों।